अपने मुलगी का जन्मोत्सव नहीं मना पाया, पर हाँ उसकी शादी बिल्कुल और बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। इतने धूमधाम से कि लोग याद रखेंगे। राजा राम, हाँ लड़की वालों को लगना चाहिए कि शादी किसके यहाँ हो रही है, सब तैयारी अच्छे से करना, सब तैयारी 20 होनी चाहिए, 19 नहीं। सावित्री क्या हुआ, कोई बात है क्या? देखो सब औरतें तुम्हारे लिए मंगल गीत गा रही है। फिर से नौटंकी शुरू कर दी तेरी मुलगी ने। देख मुलगी, तेरी शादी तय हो चुकी है और ये शादी है कोई खेल नहीं है। ये जब तेरा मन करे तब खेले और जब मन नहीं करे तब नहीं खेले। क्या हुआ? शादी की बात हम सबके लिए एक खुशी की बात हो जाती है ना, हम उसे अपनी खुशी से जोड़ने लगते हैं। सबके मन में शहनाइयां बजने लगती हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ये एक फेस्टिवल की तरह बन जाता है। पर मैं सोच रही थी कि क्या एक लड़की के लिए भी इसका मतलब यही होता है? उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी किस व्यक्ति के हाथ में जाने वाली है। ससुराल वाले उसे जलाकर मार डालेंगे या फिर अकेले सिसकने को छोड़ देंगे। उसका घर परिवार सब पीछे छूट रहा है। कोई नहीं है ना जो उसके मन की बात सुन सके। लड़कियों के लिए शादी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, दर। You're right, काव्या। उस समय की लड़कियों के लिए शादी का मतलब भय ही हुआ करता था, क्योंकि समाज बहुत बंधा हुआ था। लड़कियों को कहां आजादी थी कुछ बोलने की, या उन्हें उन्हें कोई आजादी नहीं थी अपना पति चुनने की या कोई सवाल जवाब भी करने की। हम कितने लकी है ना मैम कि हम उस समय में पैदा नहीं हुए। वी आर इंडिपेंडेंट, हमें किस बात का डर? अच्छा, उस जमाने की लड़कियां। हाँ काव्या बेटा, तुम्हें शादी के नाम से डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पति मुझे ना मारेगा और ना ही चिमटे से दागेगा। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो तुम उस पर घरेलू हिंसा का केस करके उसे जेल के अंदर भिजवा सकती हो। हाँ। लेकिन उस जमाने में स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था। लाले गालाते लाजली, ओ रही वली वली,
लाले गालात लाजली माझी लाडुली माझी सावली कशी खुद कन हसली हळद पिवळी पिवळी हळद अंगावर मखरी हळद पिवळी हळद पिवळी पिवळी हळद ताई को हल्दी लगा रहे हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतनी सारी हल्दिया को क्या करेंगे? इतनी सारी हल्दिया हम कैसे खाएंगे? अरे बाबा, ये हल्दी खाने के लिए नहीं है, सावित्री की हल्दी की रस्म है ना, उसको लगाने के लिए। लेकिन हल्दी क्यों लगाते हैं देवा? अरे ये सावित्री क्या कम थी, इतने सवाल पूछती थी, जो अभी तू भी शुरू हो गया काय रे देवा। देखा सावित्री, अब तेरे सवालों का जिम्मा तेरे भाऊ ने ले लिया है, अब तू ही उसके सवालों के जवाब दे। लेकिन आए मैं इसकी तरह उल्टे पुल्टे थोड़ी ना सवाल पूछती हूँ, मैं तो वही पूछती हूँ जो जरूरी होता है। अच्छा, अच्छी देखो नहीं मुझे कैसा सता रहे, अब इसको छोड़ो। सिद्धू, सावित्री तेरा छोटा भाऊ है ना, माफ कर दे। अजी ये मुझे सता रहा है ना, सताने दो। लेकिन ये जब मेरे ससुराल आएगा मैं इसे पीने के लिए नमक पानी भी नहीं दूंगी। लेकिन ससुराल में तो भाऊ को हलवा पूरी खिलाते हैं, वो अच्छे भाव के लिए, तेरे जैसे भाव के लिए नहीं। अच्छा बाबा, हलवा पूरी मत देना, लेकिन गुड़ पानी तो देना ताई। तू तो चिंता क्यों करता है? तू जब मेरे ससुराल आएगा ना, मैं तुझे गुड़ पानी हलवा पूरी मिठाई सब दूंगी। बच्ची। ज्योति, तेरी शादी हो रही है और तुमने हमें बताया भी नहीं। स्त्री तो तेरी होगी, लेकिन क्या अपनी शादी की मिठाई खुद ही खाना चाहता है? ना मैं स्त्री के लिए शादी कर रहा हूँ
और ना ही मिठाई खिले तो फिर बलि के बकरे क्यों बन रहे हो? मैं तो शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं। बाबा ने शर्त रखी थी कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो फिर वो मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मंजूरी दे देंगे। और बताओ तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चली? मत कुछ पढ़ाई की, अंग्रेजी ने तो सारा आनंद ही खराब कर दिया। ये भी कोई भाषा है? लिखा कुछ, पढ़ा कुछ ना, लिंग की मात्रा। अंग्रेजी पढ़ने समय दिमाग की नसें चटकने लगती है। अरे मैं तो ऐसी दवा खोज रहा हूँ जिसे पी जाने से ना अंग्रेजी बोल सकूं। इतनी मुश्किल है अंग्रेजी? से भी अधिक। ये देख, संडे मतलब सोमवार, मंडे मतलब मंगलवार, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। स से सोमवार, स से संडे, म से मंडे, म से मंगलवार, ऐसा नहीं होता। अब तू पूछेगा ऐसा क्यों नहीं होता? बस नहीं होता। तो फिर अंग्रेजी तो बहुत मजेदार होगी, मुझे भी सीखना है अंग्रेजी। तो मैंने सुना है कि अंग्रेजी ज्ञान का भंडार है। ये तो पता नहीं, पर अंग्रेजी पढ़ने से नौकरी जरूर मिल जाती है। मैंने तो इसलिए इस अंग्रेजी की ओखली में अपना सर दे दिया है। ज्योति तो हमारे स्कूल में दाखिला ले ले। स्कॉटिश स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ के जो हेडमास्टर है ना जॉन मिशन, बहुत अच्छा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो फिर मैं तुम्हारे ही स्कूल में दाखिला ले लेता हूँ। हाँ, हमें तो बस अब तेरी शादी का इंतजार है। जल्द से जल्द तेरी शादी हो जाए और बाद में तू भी हमारे साथ स्कूल में दाखिला ले ले, ताकि अंग्रेजी के मार हम साथ में सहे। शिक्षा मार नहीं होती बल्कि सवालों का मरम होता है। अरे मलम है कि मार, तुझे दाखिला लेने के बाद ही पता चलेगा। लगता है नामदेव काका ने कुछ ज्यादा ही ईगो हर्ट कर दिया है इस बेचारे मंत्री का। वैसे बीच बीच में इन्हें नामदेव काका जैसे लोगों की डांट मिलती रहनी चाहिए, तभी इन जैसे लोग ठीक रहेंगे। क्या सागरिका जी, आप भी कैसे कैसे लोगों से मीटिंग करवा देती है? अरे वो झक्की बूढ़ा आदमी स्कूल क्या खोलेगा? अरे उसे ये भी नहीं पता कि जनप्रतिनिधि से कैसे बात की जाती है। जनप्रतिनिधि का अपमान यानी जनता का अपमान, और जनता ये अपमान कभी नहीं भूलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, नामदेव काका को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था आपके साथ। आखिर आपने उन्हें इतना कीमती समय दिया और उन्होंने आपका ही अपमान कर दिया। हाँ, वही तो। I'm sorry सर, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे आप क्यों माफी मांग रही हो? स्त्री तो देवी के समान होती है और देवी माफी नहीं मांगती बल्कि आशीर्वाद देती है। और देवी जब न्यूज चैनल में हो तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे ही मंत्री नहीं बना है ये, बातें बनाना खूब आता है इसे। जी सर, हम तो अपना काम करेंगे ही, बस मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह से ना उनका स्कूल खुल जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप नामदेव काका के प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार करिए। आखिर सोचिए, लड़कियों का स्कूल खुलेगा सर,
सोचिए कितनी सारी देवियों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं उनका काम नहीं करना चाहता, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। बस मैं उस बूढ़े को यह समझाना चाहता था कि काम करने का तरीका क्या होता। अरे सर छोड़िए ना, बुजुर्ग आदमी है, क्या बुरा मानना उनकी बातों का। चलिए आपने कहा और हमने छोड़ दिया। मैं भी चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय बने। मैं नामदेव की फाइल पास तो कर दूंगा, लेकिन आप भी जानती है इलेक्शन आने वाले हैं, और आने वाले इलेक्शन में अगर हमारी पार्टी जीतती है तभी इस फाइल का पास करने का कोई मतलब निकलता है, वरना मेरी पास की हुई फाइल अपोजिशन वाले आगे क्यों बढ़ाएंगे। ये तो लटक गया आपका स्कूल 5 साल के लिए। आप जानती है ना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ हाँ सर बिल्कुल अच्छी तरह। आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका रिमोट कंट्रोल बन जाए, ठीक कहा ना मैंने। लगता है आप भी बुरा मान गए नामदेव की तरह, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। नहीं नहीं सर मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, मैं तो बस चाहती हूँ कि किसी भी तरह से उनका स्कूल खुल जाए सर, बस। ठीक है आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको आश्वासित करता हूँ आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। अच्छा आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंतोजी आप हमारे गुरु हैं, इस गांव के गुरु हैं, और गुरु ईश्वर से भी बढ़कर होता है, परंतु ईश्वर के मुख पर दुख शोभा नहीं देता। आखिर किस बात का दुख है आपको? बोलकर दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपमान का दुख। कौन सा अपमान? अरे उस खंडों के मुर्गी के हल्दी के लिए उसने हमें पूछा तक नहीं, और सुनने में तो ये आया है विवाह विधि के लिए उसने कोई और गांव के ब्राह्मण बुलाए हैं। पंतो जी पहले तो सिर्फ हम इन्हें त्यागते थे, लेकिन अब इन पिछड़ों का दुस्साहस तो देखिए, अब ये भी हमें त्यागने लगे। पंतो जी कुछ ना कुछ तो करना होगा। पंतो जी खंडो हमें पूछता ही नहीं तो हम करें तो क्या करें? सब अपने अपने मन की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात कोई सुनता ही नहीं। अब तो ये दशा है, उस खंडो और मुर्गी का बल है, ब्राह्मण के हाथ में शंख और गंगा जल है, और आजकल शंख और गंगा जल से कोई भस्म भी तो नहीं होता। बोलकर लगता है हमारी पराजय हो गई है। नहीं पंतो जी हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण इतने जल्दी हार नहीं मानता। पंतो जी अगर उन्हें हमारी जरूरत नहीं तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उन्हें हमारी जरूरत पड़े। क्या वो तो पंतो जी आप ही सोचोगे, क्योंकि तो संसार में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि आप ही के पास है ना पंतो जी। अरे उस सावित्री के सामने ना हमारी बुद्धि उलझ जाती है। पंतो जी फिर से बांधिए अपनी शिखा,
खोलिए अपना तीसरी आंख, कुछ ना कुछ मार्ग जरूर मिलेगा पंतो जी। उचित कहा, उचित कहा। ब्राह्मण को कभी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। आखिरकार शंभु ने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया। जय हो प्रभु की। क्या मार्ग बताया है? बोलकर बिना भय के इन पिछड़ों को हमसे प्रेम नहीं हो सकता। सुनो, इधर आओ। पंतो जी, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। दो, अब तुम्हें हमारे शरण आना होगा पंतो जी के। जब जब धर्म पराजित हो जाता है तब तब पंतो जी जैसे लोग किसी न किसी प्रकार से आदमी के भीतर जो भय है उसे जागरूक करने की कोशिश करता है। काय मालूम? अरे हे भग्नखंडो, किसी ने टोटका कर दिया है। रूबी ऐसे समय पर जब हमारी मुलगी की शादी तय हो गई। सच में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने यूं ऐसे कस के पकड़ा था, पता नहीं कैसे गिर गए। कहिए किसी अपशकुन का इशारा तो नहीं ना?